देखो इसके जो पहला वीडियो था बच्चों, उसमें हमने पॉलीनोमियल के बारे में पढ़ा। आपने उसमें फर्स्ट और सेकंड यानी 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज सॉल्व की बच्चों। नाउ वी हैव टू सॉल्व हियर द नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3। डिवाइड द पॉलीनोमियल पी एक्स बाय द पॉलीनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों हियर यू हैव पॉलीनोमियल पी एक्स दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x² देन प्लस 5x, 5x माइनस 3। दिस इज द गिवन पॉलीनोमियल एंड यू हैव टू डिवाइड इट बाय जी एक्स दैट इज x² माइनस 2। मीन्स दिस इज द डिविडेंड डिविडेंड एंड दिस इज द डिवाइजर। ओके बच्चों, देखो डिवाइजर राइट। अब सुनो बच्चों, नाउ यू हैव टू डिवाइड दिस बाय सिंपल मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, x² माइनस 2 एंड यू हैव टू डिवाइड दिस पॉलीनोमियल बाय दिस डिवाइजर x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। एंड डियर स्टूडेंट्स, यू हैव आल्सो डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर प्रीवियस क्लास, सो ओनली यू हैव टू पे अटेंशन एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजिली, सो इजिली। x² हियर फर्स्ट टर्म एंड इन दिस क्वेश्चन, इन दिस यू हैव x³ एज फर्स्ट टर्म। नाउ यू हैव टू डिवाइड इट एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय x एंड यू हैव गॉट x³ देन माइनस 20x, यू हैव गॉट माइनस 2x। ओके बच्चों, ये ध्यान रहे कि लाइक टर्म के नीचे रखते हैं। यहाँ 2x यहाँ क्यों रखा, क्योंकि यहाँ x² यहाँ x है, तो दीज आर लाइक टर्म्स। ओके नाउ चेंज द साइन, क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं डिवीजन में तो नीचे साइन चेंज हो जाते हैं। कैंसिल इट, यू हैव गॉट माइनस 3x² देन प्लस 7x माइनस 3। बच्चों हियर यू हैव x² एंड हियर यू हैव माइनस 3x², सो यू नीड हियर माइनस 3 एंड यू हैव गॉट माइनस 3x² देन प्लस 6, 3 टू जा 6 एंड अगेन लाइक टर्म का ध्यान देते हैं एंड देन वी चेंज द साइन, वी चेंज द साइन, कैंसिल इट एंड 7x माइनस 9। बच्चों सुनिए यहां गौर से, अब आप देखेंगे बच्चों कि हमको ये मिला रिमाइंडर। जैसे ही बच्चों डिवाइजर का जो एक्सपोनेंट, किसकी एक्सपोनेंट है इसका, या ये कह सकते हो कि जैसे डिवाइजर की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री से अधिक हो जाती है, डिवाइड करना बंद हो जाता है। डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलीनोमियल, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। तो बच्चों नाउ यू हैव कोशेंट एज एक्स माइनस 3 एंड रिमाइंडर एज 7x माइनस 9। बच्चों इसी में मैं एक चीज बताऊं, जैसे आपका इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें दिखा है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलीनोमियल इज द फैक्टर ऑफ अदर पॉलीनोमियल, यानी ये फर्स्ट ये है बच्चों मान चलिए यानी डिवाइजर, उसका कहना यह है कि आप चेक करना है कि दिस इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल। बच्चों बड़ा सिंपल सा तरीका है, इफ यू विल गेट हियर रिमाइंडर 0 इट मींस दिस इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल, और यदि देखो आपको रिमाइंडर यहां 0 नहीं मिलता है तो ये कभी भी इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन, हियर रिमाइंडर 7x माइनस 9, इट मीन्स x² माइनस 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल। यू कैन राइट हियर x² माइनस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। मैंने पी एक्स क्यों कहा, क्योंकि पी एक्स दैट इज द गिवन पॉलीनोमियल, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं पी एक्स के द्वारा। तो चाहे तो लिख दें गिवन पॉलीनोमियल या लिख दें पी एक्स। ओके बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों। तो अगर आप मेथड देख रहे हैं तभी मैं कहा करता हूं बच्चों, मैथमेटिक्स में हमें ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन देखना है बल्कि मेथड पर ध्यान देना है कि कैसे हम सॉल्व करते हैं बच्चों। और इसमें कोई यदि अच्छा क्वेश्चन आप देखना चाहो, थोड़ी मैं आपको और अच्छा कोई लेंथी क्वेश्चन बता दूं, जैसे बच्चों इसमें नाउ यू हैव टू डिवाइड इट बाय क्या बच्चों, x³ माइनस 3x² और माइनस 3x, नॉट x² ओनली 3x प्लस 1, और डिवाइड इसके द्वारा डिवाइड करना है बच्चों, पी एक्स आपके पास है x⁵ माइनस 4x⁴ 3 प्लस
एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस 3x+1 प्लस 3x+1। ओके, अब बच्चों डिवाइड करिए, यहां एक्स क्यूब है, यहां एक्स फाइव है, सो यू विल पुट हियर एक्स स्क्वायर, यू हैव गॉट हियर x^5, देन एक्स स्क्वायर इंटू -3x, यू हैव गॉट -3x³। ओके, लाइक टर्म हियर, देन प्लस एक्स स्क्वायर, सो प्लस एक्स स्क्वायर, नाउ सब्ट्रैक्टेड, चेंज द साइन, माइनस प्लस देन माइनस, कैंसिल इट, कैंसिल इट, एंड यू हैव गॉट हियर -x³। ओके, देन प्लस 3x+1, हियर यू हैव गॉट x³ एंड हियर यू हैव -x³, सो यू हैव टू पुट हियर ओनली -1, एंड नाउ पुट हियर -x³ एंड देन प्लस 3x एंड देन -1, अगेन चेंज द साइन, प्लस माइनस, कैंसिल इट, कैंसिल इट, बट लुक हियर, ना लुक हियर, -1 एंड यू विल चेंज इट्स साइन एंड यू हैव गॉट +1, सो यू हैव टू हियर ऑलरेडी, लुक हियर रिमाइंडर दैट इज टू, इट मींस अगर रिमाइंडर फिर अगर जीरो होता तो क्या कर सकते थे, दिस इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, बट नाउ सिंस यहां लिख सकते हो आप, सिंस आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयर फोर x³ - 3x+1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके बच्चों, मैथ्स है, यहां पर ध्यान दीजिए, कई बार अपन जब बात करते हैं तो बच्चे फिर कई बार हंसा करते हो तुम लोग है प्रोनाउंसिएशन पे, बच्चों इसमें थोड़ा सा रिदम चेंज हो जाता है, ठीक है, जब मैं बोलता हूं तो उसमें तुम लोग शब्दों पे मत जाया करो, ठीक है, फिर बाद में जब मिलना तो हंस लेना। अब देखो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, क्या है देखो बच्चों, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x⁴। लुक हियर गिवन पॉलिनोमियल दैट इज पी एक्स, बच्चों यह है 3x⁴ देन 6x³ - 2x² - 10x - 5। ओके, एंड गिवन जीरोस आर बच्चों यू हैव √5/3, √5/3 एंड -√5/3। ओके लोग यहां देखो बच्चों, गौर से यहां पर बच्चों हम देखते हैं आप इसमें कि देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, यू हैव टू जीरोस एंड नाउ यू नीड हियर अदर टू जीरोस। अब कैसे बच्चों, यहां आप देखिए इसका जो डिग्री है, इसकी डिग्री क्या है, 4। बच्चों पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है उतने ही जीरोज होते हैं, अगर डिग्री यहां 2 है तो जीरोज 2 होंगे, डिग्री 3 है तो जीरोज 3 होंगे, डिग्री 4 है तो जीरोज 4 होंगे, तो ऑलरेडी यू हैव टू जीरोज हियर, इट मींस यू डो हैव टू फाइंड हियर अदर टू जीरोज। अब उसको कैसे निकाला जा सकता है बच्चों, यहां वेरिएबल एक्स है, देन टेकिंग कैसे हम इसको रखते हैं, एक्स इक्वल टू √5/3 एंड देन एक्स इक्वल टू -√5/3, टू जीरोस दिए बच्चों, नाउ वी राइट जो दिस इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर, कैसे फैक्टर को कैसे लिखेंगे, इधर है इस साइड इसको ले आए LHS में, यू हैव गॉट -√5/3 एंड हियर एक्स +√5/3। लुक हियर यू हैव गॉट हियर फॉर्मूला a - b a + b एंड यू हैव गॉट a² - b²। लुक हियर बच्चों, यहां पर आप क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और क्या रखेंगे बच्चों, गौर देखिए, यहां आप रख रहे हैं a² यानी x² - रूट का जब स्क्वायर किया जाता है रूट हट जाता है केवल, यू हैव गॉट 5/3, इसको यदि हम सिंपल नंबर में लिखें तो यू हैव गॉट 3x² - 5। ओके इज अ फैक्टर, किसका फैक्टर, आप गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स ना, ये फैक्टर हमने क्यों कहा इतने विश्वास के साथ के फैक्टर है, बिकॉज द टू जीरोज वर गिवन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज जीरोज वी हैव फाउंड हियर व्हाट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नाउ वी डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल
बाय दिस फैक्टर। बच्चों कैसे डिवाइड करते हैं ये आपको देखना है। 3x² - 5 लो क्या बच्चों, 3x² - 5, 3x² - 5। नाउ बच्चों इसके द्वारा डिवाइड करना है 3x 4, देखो 3x पावर 4, देन प्लस 6x³ माइनस 2x² - 2x² देन माइनस 10x माइनस 10x एंड देन माइनस 5। ओके बच्चों अब सुनना गौर से बच्चों, यहां पर बच्चों एक चीज ध्यान रहे, बार बार आपको डिवाइड करने का मौका मिल रहा है भाई, वन टाइम गलती हो सकती है, टू टाइम हो सकता है, या समझ में वन टाइम नहीं आए, टू टाइम्स नहीं आए, थ्री टाइम्स नहीं आए। बच्चों जब हम अगेन एंड अगेन वही बार बार क्वेश्चन करते हैं तो फिर तो समझ में आएगा। देखो बच्चों अब आप देखिए गौर से, तो यहां इसमें डिवाइड किया, यू हैव गॉट x² 3x पावर 4 देन माइनस 5x² - 5x² चेंज इट माइनस प्लस कैंसिल इट, यू हैव गॉट 6x³ देन प्लस 3x² - 10x - 5 ओके देन प्लस 2x, यू हैव गॉट x³ 2x - 10x - 10x चेंज द साइन कैंसिल इट यू हैव गॉट 3x² - 5 नाउ वन टाइम बिकॉज सेम नंबर इज हियर 3x² - 5 चेंज इट साइन एंड देन रिमाइंडर इज 0। बच्चों इसमें रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए, अदरवाइज आपने कहीं गलती करी हुई है। देखो बच्चो ना अब जो क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज x² + 2x + 1 अब इसको हम स्प्लिट करके इसके फैक्टर फाइंड करते हैं। सो यू हैव गॉट x² + स्प्लिट करिए x + x एंड देन +1 नाउ मेक द पेयर, यू हैव गॉट x + 1 एंड देन हियर यू हैव टेकन 1 कॉमन, यू हैव गॉट x + 1 नाउ x + 1 एंड x + 1 नाउ comparing with 0 you have got x + 1 = 0 and x + 1 = 0 so you have here x = -1 x = 2 both numbers are same but you have to write here 2 times why because these are the 2 zeros ध्यान रखना। कई बार बच्चे कहते हैं सर नंबर्स तो सेम है -1 हमको मिला है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना दीज आर द टू डिफरेंट जीरोस, भले नंबर सेम है लेकिन वो अलग अलग जीरोस है, इसलिए आपको दोनों रखना। इस प्रकार से बच्चों हम जीरोस फाइंड करते हैं। ये बच्चों वैसे नियम के अनुसार तुम्हारे बुक में बच्चों यही सबसे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर, और आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके अब आप अगर देखें गौर से बच्चों, आपको यहाँ कुछ नहीं है, डिग्री बतानी है, डिग्री बतानी बच्चों कैसे, गिव एग्जाम्पल फॉर PX, GX, QX and RX which satisfy the division algorithm degree। देखो जैसे दिया था हमारे पास इसमें 5 में फर्स्ट क्या बच्चों दिया, देखो ये दिया, देखो डिग्री, डिग्री क्या दिया था पास सर, क्या दिया देखो PX, GX, QX and RX देखो PX, GX फिर QX देखो RX कर लो GX हो गया ये G फिर QX and RX एक चीज ध्यान रखना this is the dividend, this is the divisor, this is the quotient and this is the remainder। Now, अब example आपको देना बच्चों, तो example को तुम्हें देना है तो आपको लिखो उसमें both gx and rx are constant। ध्यान रखना यहाँ पर बच्चों आप लिख सकते हैं, लिख भी सकते हो both gx and rx are constant term और बच्चों इसको हम प्रूव करेंगे, अभी प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने एग्जाम्पल या नंबर लिया बच्चों 2 हम ले लेते हैं, कुछ भी लेते हैं 2x² - 2x + 14 चल बच्चों 2x² - 2x और + 14 कुछ भी नंबर ले लिया। अब देखो डिवाइजर, डिवाइजर हम लेते हैं बच्चों gx हमने मान लियो 2 ले लिया हमने, हमने किसके रूप में लिया कांस्टेंट टर्म के। तो देखना बच्चों गौर से हमें यहां पर qx क्या मिलेगा, स्वाभाविक है बच्चों ये px था तो सीधा सीधा बच्चों px और अपॉन gx आप 2 का डिवाइड कर दीजिए सर, 2 का डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा x² 2 का डिवाइड इसमें के लिए यू हैव गॉट -x फिर 2 का डिवाइड 14 में किया यू हैव गॉट +7 ओके तो qx। अब देखो बच्चों गौर से और रिमाइंडर आपको क्या मिला, रिमाइंडर आपको क्या मिला बच्चों 0 तो हियर देखो gx
इज कांस्टेंट एंड आर एक्स इज कांस्टेंट। तो आपको दोनों क्या मिल गए बच्चों, कांस्टेंट और कांस्टेंट टर्म्स मिल गए। तो यहां पर जो हमने लिखा था बोथ जी एक्स एंड आर एक्स जो है कांस्टेंट टर्म, सो ये बच्चों प्रूव होता है यहां पर दोनों कि जी एक्स एंड आर एक्स आर कांस्टेंट टर्म्स, आर कांस्टेंट टर्म्स। बच्चों इस प्रकार से ये आपकी यूनिट कंप्लीट हुई। थैंक यू। ओके।